following friends, Jago, Jago. महमूद बट्टी साहब फैशन डिजाइनर है और उन पे 3-4 मूवीज भी उनकी जिंदगी पे बनी है। एज अ ऑफिस बॉय वो काम करने लगे महमूद बट्टी साहब। एंड इतना कि मेरी माँ जो है वो बहुत भूखी सोती थी लेकिन इनको खिलाते थे। बाद में फिर अब यहाँ पे जो करप्ट सिस्टम है बट्टी साहब से कह रहे हैं चीफ जस्टिस की कल आप अपने कपड़े जो है वो चेंज करके आए। वो उस बंदे को कपड़े सिखा रहे जो बीच में आके साकिब निसार ने उनके पासपोर्ट तक उनसे छीन लिया। और अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जागो जागो। हम ऑफिस जा रहे हैं सुबह सवेरे लेकिन सुनसान नजर आ रहे हैं, सारे सो रहे होंगे। बहुत कम ट्रैफिक है रोड पर, कोई खास ट्रैफिक रश नजर नहीं आ रहे। रमजान मुबारक में लेट ही ऑफिस ओपन होते हैं तो हम भी आज थोड़ा लेट होंगे। हम ऑफिस जा रहे हैं तो आज हमारा प्लान लाहौर का, इंशाल्लाह लाहौर के लिए हम ट्रैवल करेंगे। फिलहाल हम ऑफिस जा रहे हैं। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं स्टेडियम के पास, स्पोर्ट्स गेट रावलपिंडी। है कि महमूद बट्टी साहब फैशन डिज़ाइनर है और उन पे 3-4 मूवीज भी उनकी ज़िंदगी पे बनी है और इसके अलावा उनकी लाइफ पे किताबें भी लिखी गई है। तो सबसे बेहतरीन बुक उनकी लाइफ पे लिखी गई वो फ्रांस में दूसरा जन्म के नाम से है, आप लोग भी इसको पढ़ लीजिएगा। जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए महमूद बट्टी साहब की लाइफ जो है एक आइडल है, एक उसको एक मतलब पैसे प्रिंसिपल साहब को मिलेंगे उनकी लाइफ में कि किस तरह इन्होंने स्ट्रगल किया और कैसे पाकिस्तान से। वो कभी इस बात को माइंड नहीं करते कि अपनी जो पास्ट है उसको हर इंटरव्यू में जहाँ जहाँ पे उन्होंने इंटरव्यू दिया वो अपने पास्ट को बयान करते कि कैसे वो कहाँ से निकले और कहाँ पहुँचे। महमूद भट्टी साहब कहा करते कि वो बचपन में दादा दरबार, दादा साहब के वहाँ पे खाने के उधर जाते थे, दादा दरबार में उधर ही रहते थे और उनकी लाइफ बहुत उतार चढ़ाव उनकी ज़िंदगी में काफ़ी रही। उसके बाद वो फ्रांस चले गए, फ्रांस में किसी दोस्त के पास वो रहते थे। वहाँ पे अब दोस्त स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे होते थे तो उनको एलो नहीं था कि वहाँ पे मजीद एकोमोडेट करें उनके हॉस्टल में। तो वहाँ भी उनके जो थोड़ा प्रॉब्लम आ गए, वो फिर सड़कों पे रहने लगे। वो खुद कहते हैं कि मेट्रो स्टेशन पे उन्होंने रातें गुजारी और उसके बाद वो किसी ऑफिस में, फैशन डिजाइनिंग के ऑफिस में एज अ ऑफिस बॉय वो काम करने लगे महमूद भट्टी साहब। एंड देन ही स्टार्टेड हिज ओन वर्क। तो वहाँ पे एज अ ऑफिस बॉय काम करते हुए उन्होंने वो सारी चीज़ें सीख ली कि पूरे दुनिया में पाकिस्तान का नाम उन्होंने रोशन किया महमूद भट्टी साहब ने। और उनको सदर मुशर्रफ ने हिलाल तमगा इम्तियाज़ दिया था और अभी आसिफ जरदारी साहब ने उनको हिलाल इम्तियाज़ दिया। ये सिविल अवार्ड से सेकंड और थर्ड नंबर की जो हाई रैंक सिविल अवार्ड से उनको नवाजा गया। इसके अलावा महमूद भट्टी साहब जो है उन्होंने काफ़ी काम किया है गरीबों के लिए। महमूद भट्टी साहब ने जो यतीमों के लिए वो काफ़ी काम करते हैं। वो अक्सर अपने इंटरव्यूज में जब बात कर रहे होते हैं तो उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं जब अपनी वालिदा के बारे में वो डिस्कस करते हैं। तो वैसे हर कोई अपने पेरेंट्स से मोहब्बत करते हैं बट हिज लव इज एक्सेप्शनल फॉर हिज मदर। तो वो कहते हैं कि मेरी माँ जो है वो बहुत भूखी सोती थी लेकिन इनको खिलाते थे। तो अब अपनी माँ की मोहब्बत में उन्होंने एक यतीम खाना का स्टार्ट करने के लिए उन्होंने ज़मीनें ली यहाँ पाकिस्तान में। तो बाद में फिर अब यहाँ पे जो करप्ट सिस्टम है वो किसी को अच्छा काम करने नहीं देते पाकिस्तान में। तो क्या हुआ कि उनकी ज़मीनों पे किसी वकील ने कब्जा कर लिया, उस वकील ने और उसकी वाइफ ने अपने नाम पर वो ज़मीन कर दी। अब वो 3-4 करोड़ जो है उससे भी ज़्यादा महमूद भट्टी साहब के
पैसे लग गए अदालतों के चक्कर में। एक दफा महमूद भट्टी साहब कहते कि उन्होंने स्टे लिया, अदालत ने बुलाया और 12-13 लाख की टिकट करा के वो फ्रांस इधर आए, तो इधर अदालत पहुंचते ही उन्होंने कहा वो जज जो है जज साहब जो फिरौन बने रहते हैं वो उठ के चले गए और रात को जो स्टे जो है वो भी उन्होंने खारिज कर दिया। ठीक है जी। इसी तरह महमूद भट्टी साहब जब पिछले साल चीफ जस्टिस जो था साकिब निसार, वो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं वो कितना बेचारे की बेइज्जती कर रहे हैं महमूद भट्टी साहब के, और महमूद भट्टी साहब जो है इस तरह उनके साथ पेश आ रहे हैं जैसे एक बाअदब और एक अच्छे इंसान के जो फीचर होते हैं कि सामने से कोई बदतमीजी भी कर रहे हो तो उसके साथ बदतमीजी नहीं करते, और वो क्या करते हैं कि महमूद भट्टी साहब से कह रहे हैं चीफ जस्टिस की कल आप अपने कपड़े जो है वो चेंज करके आए, वो उस बंदे को कपड़े सिखा रहे जो पूरी दुनिया में फैशन डिजाइनिंग के लिए जाने जाते हैं, और सिर्फ न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि फॉरेन कंट्रीज में 10 से ज्यादा अवार्ड्स, हाई रैंक अवार्ड्स उनको दिए गए हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि उनकी लाइफ को देख के 3-3 मूवीज बनी गई ताकि लोगों को जो स्ट्रगलर्स है, जो यंग स्ट्रगलर्स है, उनको जो है एक मोटिवेशन मिले। तो इसके अलावा बहुत सारी ऐसी खदमात है महमूद भट्टी साहब के जो हम यहाँ पे नहीं बयान कर सकते कि उनकी लाइफ, उनकी जिंदगी बहुत ही एक यूनिवर्सिटी है। वो कहते हैं कि मैंने जिंदगी बचपन में मैं एजुकेशन हासिल करना चाहते थे लेकिन वसाइल नहीं थे, वसाइल दूर की बात। वो कहते हैं कि मैं अक्सर मस्जिद में वो सोया करते थे, दादा दरबार में रहा करते थे, मस्जिद में जब सो जाते तो वो कारी साहब के आने से पहले वो मस्जिद से निकल जाते ताकि कोई डांट ना पड़े। तो इस तरह उन्होंने जिंदगी गुजारी, लेकिन आज महमूद भट्टी साहब पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओवरसीज की जो आवाज़ बन के वो खड़े हैं, और हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे लोग सदियों बाद पैदा होते हैं, ये ऐसे लोग हैं जो सदियों बाद पैदा होते हैं, और ये फिलैंथ्रोपिस्ट है जितने भी लोग, उनको पाकिस्तान में इज्जत दी जाए, कम से कम उनको आप सपोर्ट नहीं करते तो गवर्नमेंट और जो गवर्नमेंट को चलाने वाले जो असल चेहरे हैं वो इनको कम से कम काम करने दें, जो अच्छे काम कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहे हैं उनको इन्वेस्टमेंट करने दें। बखुदा आप देखेंगे कि अगर ये फिलैंथ्रोपिस्ट जिस तरह ईदी साहब थे, ईदी साहब इतने काम कर रहे थे, तो इनको अगर काम करने दें तो हमें सियासतदानों के पीछे पड़ने की जरूरत ही नहीं है, गुरबत ही खत्म हो जाए हमारे मुल्क से। तो ये सारी बातें हैं। अब महमूद भट्टी साहब को जब एक स्टेज पे पहुंच गए तो वो चाहते थे कि कोई भी बच्चा बगैर एजुकेशन के ना रहे, तो उन्होंने यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान में ओपन करना शुरू किया, फैशन डिजाइनिंग की यूनिवर्सिटी उन्होंने उसकी संग बुनियाद रखी। तो ये इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उनके पाइपलाइन में थे, बीच में आके साकिब निसार ने उनके पासपोर्ट तक उनसे छीन लिया, और वो कहते कि कल आप अदालत आ जाए, कपड़े चेंज करके आए, उनके हॉस्पिटल पे बैठे बैठे अचानक से उन्होंने छापा मारा साकिब निसार ने, और महमूद भट्टी साहब कहते कि वो तो ऐसे एज यूजुअल बैठे हुए थे, बात कर रहे थे कि अचानक से 200 गाड़ियों के प्रोटेक्शन में कोई बंदा आया। महमूद साहब ने सोचा कि कोई होगा वजीर आजम होगा या कोई मिनिस्टर होंगे जो यहाँ पे हॉस्पिटल में शायद कोई बीमार है उनकी इयादत के लिए आए, तो देखा उसमें से तो एक गुना सा शख्स निकला, एक छोटा सा गुना सा शख्स निकला, और फिरौनियत तो उसके चेहरे से टिपक रहा था, उसकी बातों से जो है वो आप यूं कह बातों से ये लग रहा था कि मैं ऑल इन ऑल मैं सब कुछ और कोई नहीं है यहाँ पे। और वो वीडियोस आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं साकिब निसार ने महमूद भट्टी साहब को कितने वो आगे से क्या रिस्पांस दे रहे हैं और वो यहाँ से क्या बकवासात कर रहे हैं साकिब निसार, महमूद भट्टी साहब कितना ऑनेस्टली और कितना इस मैनर से उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन साकिब निसार एक एजुकेटेड जाहिल, वो एक पढ़ा लिखा जाहिल जो है वो सामने से क्या उनकी बदतमीजी कर रहे हैं, उनके पासपोर्ट छीने गए, अच्छा उनको अदालत में बुलाया गया, और ये सारे अगर आप देखें इसमें थोड़ा रिसर्च करें तो सिर्फ और सिर्फ वो अपने पर्सनल मैटर से ये सारी चीज़ें कर रहे थे कि यहाँ पे जितने भी फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, अच्छा उसका कोई भतीजा या कोई बेटा है वो डॉक्टर है, उसको कहीं पे एडजस्टमेंट नहीं करा रहे थे, तो इस तरह बाद में पता चला कि ये इस तरह के कोई गुस्से निकाल रहे थे इस पर। तो जो पाइपलाइन में जितने भी प्रोजेक्ट्स थे महमूद भट्टी साहब ने वो सारे क्लोज कर दिया, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट ही नहीं मिल रहे, वो अपने इतने पैसे लगा रहे हैं वहाँ पे फ्रांस में, उन्होंने वो भूखे रह के मेट्रो स्टेशन के पे उन्होंने रातें गुजारी, ठीक है, और उसके अलावा ऑफिस बॉय के एज ऑफिस बॉय उन्होंने काम की, इतना स्ट्रगल करने के बाद वो एक ब्रांड बन गया महमूद भट्टी साहब, एक ब्रांड बन गया, वो एक ब्रांड है वो महमूद भट्टी साहब ने, एक लीजेंड है, सदियों बाद ऐसे लोग पैदा होते हैं।
उसके बाद वो अपने जितने भी उन्होंने कमाए वो पाकिस्तान के गरीबों के लिए वो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज, यतीम खाने ये ओपन करने के लिए वो तशरीफ लाए, तो यहाँ से चीफ जस्टिस जो उस वक्त का फिरौन बना हुआ था, जो डैम के नाम पे लोगों को लूट रहा था, पत्नी डैम अभी तक नहीं बना है, वो पैसे उन्होंने क्या किया, कहाँ पे खर्च किया, कोई उसका पूछने वाला नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है उस पर, तो वो उन्होंने इतनी बदतमीजी की उनके साथ। तो हम गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं, हम जितने भी ऊपर एस्टेब्लिशमेंट है उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे लोगों को आप तंग ना करें, उनको काम करने दें, कम से कम आप सपोर्ट नहीं करते तो उनको काम करने दें। तो मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने प्रोफाइल पे महमूद भट्टी साहब के लिए भी आवाज़ उठाएं और हर उस पाकिस्तानी के लिए आवाज़ उठाएं जो गरीबों के लिए काम कर रहे और उनको काम करने नहीं दे रहे। ये डर्टी पॉलिटिक्स जो इसमें इन्वॉल्व हो जाती है वो अपने मकासद जब उनको पूरे नहीं होते नजर आ रहे तो ऐसे लोगों को यहाँ पे काम करने नहीं देते। तो ये सारे ब्रीफली मैंने महमूद भट्टी साहब के बारे में बता दिया, लेकिन मुमकिन नहीं है कि अगर मैं एक साल भी उनके बारे में बताता रहूं, ऐसे अब इंशाल्लाह टाइम आएंगे कि महमूद भट्टी साहब की जिंदगी पे रिसर्च करने लगेंगे लोग, जो अपने एमएस पीएचडी की थीसिस है वो महमूद भट्टी साहब जैसे लोगों पर करते हैं लोग, और इन पे भी करेंगे, इन पे मूवीज बनी है, इन पे किताबें लिखी गई है, और जब वो किताब आप पढ़ते तो फुल आप उसमें आप देखेंगे कि मोटिवेशन है। उस किताब को रीड आउट करने के बाद आपको दुनिया का कोई भी मुश्किल काम मुश्किल नहीं लगेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब भी ऐसे लोगों को, ये हमारे कौम के मोहसिन है, डॉक्टर अब्दुल कादिर खान के साथ क्या किया हमने, उस बेचारे को अपने घर में ही महसूर करा दिया, पूरी दुनिया में उनकी बेइज्जती हुई, वो अगर पाकिस्तान से निकल चुके होते, अब अगर आप इंडिया की बात करें वहाँ पे उनके जो साइंटिस्ट है उनको उन्होंने वजीर आजम बनाया, इतना प्रोटोकॉल दिया, लेकिन यहाँ हमारे मुल्क में हमेशा मोहसिनों के साथ ऐसा नहीं होता है, वो फिर जो हमारे मोहसिन है वो गिला करते हुए नजर आते हैं। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का भी आपने एक इंटरव्यू देखा होगा कि वो कहते हैं कि मतलब वो बहुत ही नाराज थे इस मुल्क इस सियासतदानों से कि वो उनको वो रिस्पेक्ट नहीं दिया और वो मकान नहीं दिया जो उनका हक था। ठीक है जी, तो आज इंशाल्लाह हम जा रहे हैं महमूद भट्टी साहब के रिहाइशगाह पे, लाहौर में होते हैं, उन्होंने हमें इनवाइट किया है, और मैं अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा फ़ख्र इसी बात में महसूस कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इंजीनियरिंग की, उसके बाद मैंने मास्टर्स की, उसके बाद मैं दुनिया के टॉप 50 नंबर यूनिवर्सिटी में जीजियांग यूनिवर्सिटी चाइना में होते दुनिया की रैंकिंग में टॉप 50 में आते, तो वहाँ पे मेरे पीएचडी की एडमिशन हुई। इन बातों पे मुझे कभी फ़ख्र नहीं हुई, लेकिन आज इस बात पे मुझे फ़ख्र हो रहा है कि महमूद भट्टी साहब ने हमें इनवाइट किया है, तो मुझे इस काबिल समझा कि उन्होंने कहा कि आप भी आ जाए, हमारी सेलिब्रेशन है, जो मुझे अवार्ड मिला है तो बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, मीडिया होंगे, तो आप भी आ जाए हमें ज्वाइन करें, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है। तो तमाम सुनने वाले, तमाम नाजरीन है, तमाम सामीन है, तो उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे जो मोहसिन होते हैं, हमारे ये अलग नेचर के लोग होते हैं, इनके अंदर कोई खुदगर्जी नहीं होती, ये दो पैसे कमा लेते तो वही दो पैसे आगे किसी गरीब बंदे पे लगाने के लिए होते हैं, इनके पास जब कुछ पैसा नहीं होता तो ये सोच रहे होते कि मैं गरीबों को कैसे मदद करें। तो ऐसे लोगों का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए जो है हम आवाज़ उठाने चाहिए कहीं पर अगर उनके खिलाफ उनके लिए नाइंसाफी हो रही है। बहुत सारे लोग जानते ही नहीं है कि महमूद भट्टी साहब के साथ क्या हुआ, इस पिछले दफ़ा क्या चीफ जस्टिस ने क्या किया, तो मेरे जितने भी सर्कल में फ्रेंड है, मेरे जितने भी दोस्त है, वो जाके गूगल पे देखे, सर्च करें महमूद भट्टी साहब का, और यूट्यूब पे सर्च करें, तो आपको नजर आएगा कि उनके साथ क्या किया इस मुल्क ने। तो यहाँ के जो गैर मुल्क तो सही है, लेकिन जो सियासतदान है जो एक सीट पे बैठने के बाद कहते हैं कि मैं खुदा हूँ नऊज़ बिल्लाह, तो ये सारे कीड़े मकोड़े मेरे सामने बैठे हुए, खुसूसन हमारे जो जुडिशरी है, हमारे जस्टिस निज़ाम है, वहाँ पे कोई कुछ नज़र नहीं आते गरीबों के लिए, गरीब तो गरीब, महमूद भट्टी साहब के जैसे लोगों के लिए हमारे अदालत में इंसाफ नहीं मिलते, उनको रातों रात बुलाए जाते हैं फ्रांस से, 12-15 लाख वो खर्च करके यहाँ आते हैं, तो अदालत से फिर जज साहब जो है वो उनका मुँह देखते ही उठ के चले जाते हैं। तो ये सीन है जी पाकिस्तान में, ऐसा हो रहा है, अगर अदालत की निज़ाम यहाँ पे ठीक हो जाए तो इमरान खान के साथ क्या हो रहा है सारे लोग जानते हैं। इसी तरह जो बिल्कुल फेयर लोग होते हैं, जो मुल्क का दर्द रखते हैं अपने दिल में, उनके साथ क्या हो रहा है, उनके साथ एजेंसीज क्या करते हैं, उनके साथ आर्मी क्या करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान ने और
जो बड़े पेट्रियोटिस्ट और बड़े जो मुहिब वतन लोग हैं इमरान खान, उन्होंने हमें यह जज्बा दिया कि हम खुल के बोलते हैं, अभी हम खुल के बोलते हैं, हम किसी से नहीं डरते। आर्मी ने क्या किया इमरान खान के साथ, और जो जज है वो क्या करते हैं, वो अपने मकसद के लिए रात के 3 बजे भी वो बैठे होते हैं ऑफिस में, लेकिन जब उनका मकसद ना हो तो वो दिन में सुप्रीम कोर्ट को, उसको हाई कोर्ट को ताला लगा के वो निकल जाते हैं। तो ये सारे हमारे मोहसिन हैं, हम उनको सल्यूट करते हैं, और हम शर्मिंदा है कि हम आपको वो रिस्पेक्ट नहीं दे सके, वो मकाम नहीं दे सके जो आपका हक है, जो आपको मिलना चाहिए। तो इंशाल्लाह जब महमूद भट्टी साहब के पास पहुंचेंगे तो मैं आप लोगों को ऑन एयर इंशाल्लाह ऑनलाइन में दिखाऊंगा उनके साथ इंशाल्लाह। तो ये मैं बहुत ज़्यादा फख्र महसूस कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे खुशी महसूस हो रही है कि आज मैं महमूद भट्टी साहब, एक हमारे पाकिस्तान का जो हीरो है, हमारे पाकिस्तान का लेजेंड है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सर फख्र से उन्होंने बुलंद कराया, तो उनसे हम मिलने जा रहे हैं, उन्होंने हमें इन्वाइट किया है, तो ये बहुत ही एजाज की बात है। तमाम दोस्तों को जो मेरे 4-5 हज़ार मेरे फ्रेंड्स हैं फेसबुक पे, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आप लोग देख रहे हैं तो महमूद भट्टी साहब को सर्च करें, उनकी लाइफ के बारे में पढ़ें, और उनके लाइफ पे जो मूवीज बनी है उनको देखें, उनके लाइफ पे जो किताबें लिखी गई है वो बुक्स पढ़ें, तो आपको दुनिया का कोई भी मुश्किल जो काम है वो आपको मुश्किल नहीं लगेंगे। आप पहाड़ को भी आपके चीरने के जो आपके अंदर हौसला पैदा होगा, तो ऐसे मोटिवेशनल जो बंदे होते हैं इनकी लाइफ को पढ़ा करें लाजमी, ताकि आपको मोटिवेशन मिलता रहे। जब आप कभी किसी काम से मायूस हो तो ऐसे लोगों को पढ़े, हमेशा ऐसे लोगों की लाइफ को देखें। ये तो ये जो जिन लोगों का मैं बात कर रहा हूँ, ये तो हमारे पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदना से गुलाम है। आप पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को पढ़े, उनके असहाब पाक, उनके अहलेबैत पाक की जिंदगी को पढ़े, तो हमें कोई भी मुश्किल काम जो है वो मुश्किल नजर नहीं आएंगे, मुश्किल नहीं लगेंगे। तो इंशाल्लाह आप लोगों को जब हम लाहौर पहुंचे तो महमूद भट्टी साहब से भी मिलाएंगे आप सबको इंशाल्लाह। तो तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी कोई नाइंसाफी हो हमारे मोहसिनों से तो आवाज़ हमें ज़रूर उठाना चाहिए, हर प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे, और जहां जहां जिस जिस अंदाज में आप आवाज़ उठा सकते हैं हमारे मोहसिनों के साथ, जब कोई गलत काम होते हैं, नाइंसाफी होते हैं, तो हमें आवाज़ उठाना चाहिए। मैं नाम लेके जिन जिन मोहसिनों का जिक्र कर रहा हूँ, महमूद भट्टी साहब, अच्छा इसके अलावा अब्दुल कदीर खान साहब, इमरान खान साहब, और जितने भी फिलैंथ्रोपिस्ट हैं जो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, जो यतीमों के लिए काम कर रहे हैं, जो उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जिनका कोई सहारा नहीं इस मुल्क में, उनका हम रिस्पेक्ट करें, उनके उनके साथ अगर कोई नाइंसाफी हो जाए तो ये हमारी जिम्मेदारी बनते हैं, हम पे वाजिब है कि हम उनके लिए आवाज़ उठाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। टाइम होने वाला है और इस टाइम हम लाहौर पहुंच गए और भट्टी साहब की रिहाइश की तरफ रवाना हुआ है, तो इफ्तार इंशाल्लाह वहीं पे हो। आप हमारी Thank you.
जी आज हम महमूद भुट्टी साहब के दावत पे आए हुए हैं, महमूद भुट्टी साहब से भी मिले हैं। जी जी ठीक वीडियो सॉरी।